الله رب محمد صلى الله عليه وسلم الله الله رب محمد درشي پڑھو درشي سب مل کے درشي پڑھو الله رب محمد الله تمام میری تو طبیعت بھی برابر نہیں ہے آواز بھی نہیں نکل رہی ہے اب آپ کو آواز نکالنی میں صرف درشی پڑھاؤں گا آپ کو درشی پڑھیے اللہ رب محمد اللہ رب محمد صلی آواز نکالو آواز نکالو کیا سلام پڑھ دیتے سلام پڑھ دیتے اگر آواز آپ نہیں نکالیں گے تو ہم صرف سلام پڑھ کے ختم کرتے ہیں صرف سیکھو گے صرف پڑھنا سیکھو گے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم 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 جہاں رضا کا غلام ہوگا جہاں رضا کا غلام ہوگا جہاں رضا کا ہوگا جہاں رضا کا ہوگا جہاں رضا کا ہوگا جہاں رضا کا غلام ہوگا وہاں درود و سلام ہوگا وہاں درود و سلام ہوگا وہاں درود و سلام ہوگا جہاں رضا کا وہاں درود و سلام ہوگا یا آپ حضرات یہ جلسہ مدرسہ گلشن رضا گلشن رضا ماشاءاللہ یہ جلسہ اس سے فارغین حافظ حفاظ حضرات اور آپ حضرات علماء اکرام حاضرین اہل سنت قابل مبارکباد ہیں اللہ کا فضل و کرم ہے العلم حیات الاسلام اسلام کی زندگی علم ہے علم مدرسے میں ہے آپ لوگ علم کے ذریعے مدرسے کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے ہوئے ہیں نہ گھبراؤ مسلمانوں نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے ابھی اسلام ابھی قرآن یہ چوہے کیا سمجھتے ہیں جو اپنے بل میں ہنستے ہیں یہ چوہے ابھی کہیے یہ چوہے کیا سمجھتے ہیں جو اپنے بل میں ہنستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عشق محبت خاندان اعلی حضرت نبیر اعلی حضرت اللہ اکبر یہ آپ کی محبت ہے حالانکہ گلا نزلہ بہت ہو گیا طبیعت عجیب سی ہے ابھی میں دورے سے ہی آیا تھا میں تھک گیا تھا لیکن میرے دوستوں نے کرم فرمایا اور حضرت مولانا محمد حسن جو جامع نوریہ رضویہ میں ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں یہ آپ ہی کے علاقے کے ہیں اور ادھر علاقے میں ان کی برکت سے حسن صاحب کی برکت سے آپ کے علاقے میں آنا ہوتا رہتا ہے اور حضرت مفتی محمد راحت علی نعیمی صاحب خلیفہ مجاہ درگاہ اعلیٰ بری شریف مفتی اشتیاق القادری صاحب ماشاءاللہ آپ کا بھی بہت اچھا خطاب میں خانے کے بعد ٹہلتا ہوں
और आपसे भी दरखास्त करता हूँ कि खाने के बाद ये नहीं कि लेट गए, एक घंटा चला करो, एक घंटा कितना, एक घंटा। तो फिक्र नहीं होगी, शक्कर नहीं होगी, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, मोटा नहीं होगा, पतला दुबला रहेगा। हम 72 साल के और अभी हम जो नेपाल से आए तो 11 घंटे कार में बैठे रहे, लोग कहते रहे कि रात भर तो प्रोग्राम करा, दिन भर प्रोग्राम के बाद सफर करा। हम इसलिए पैदा हुए हैं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कौसो खाजा की करामत, आले रसूल की अमानत, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम अहमद रज़ा बरेलवी का खून हमारी रगों में बहता है। आला हजरत ने हमें पेश किया है, क्या तुम जब तक जिंदा रहो जमीन के नीचे आराम है और जमीन के ऊपर काम है। ये अहले सुन्नत अहले जन्नत जो भी है सुन्नी मुसलमान जिक्रे मुस्तफा में नहा अब नहाए, प्यार करे, आला हजरत से मोहब्बत करे। आला हजरत जो है अल्लाह का एहसान और करम है, ये ऐसी बरकत है, आला हजरत ऐसी कौम की जरूरत है। आला हजरत ने बड़ा करम फरमाया इस फकीर कादरी बरकाती मनाने पर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये है जामिया नूरिया, देखा 2 एकड़ में है, और अगर ये बच्चे आ जाए तो पैदल वहां जा सकते हैं। ये वो जामे नूरिया है जिससे हमारे ताजुशरिया के शहजादे अज्जद रजा ने भी तालीम हासिल करी है। ये वो जामे नूरिया है जिससे समनानी मियां ने तालीम हासिल करी है। ये वो जामे नूरिया है जिससे अमीने शरीयत के लड़के सलमान रजा खान ने भी तालीम हासिल करी है। ये बहुत बड़ी नेमत है, 1100 तलबा की रहने की यहाँ जगह है। हमने 200 गज के मदरसे में तालीम हासिल करी थी, लेकिन सरकार मुफ्ती आजम ने दुआ फरमाई, हमारे भाई ताजुशरिया ले गए और कहने लगे कि हम एक ऐसा बड़ा मदरसा बनाना चाहते हैं जहाँ हजारों तलबा रह सके। तो ये जामे नूरे रजिया जिसके पानी ताजुशरिया है, जिसके चाहने वाले मुफ्ती आजम है, मुफ्ती आजम ने दुआ फरमाई तो उन्हीं के नाम से जामिया नूरिया रजविया पश्चिम के साइड गंगाला से 1 मील फासले पर है। हम पैदल वहां जाते हैं और आपसे भी कहते हैं अगर वक्त मिले तो जामे नूरिया की जियारत करें। और इन बच्चों को अगर अल्लाह ताला फजल फरमाए कि आलिम दीन बनना है, इश्क रसूल हासिल करना है, तो दरगाह आला हजरत से लेकर जामे नूरिया तक ये आना जाना शुरू करें तो इंशाल्लाह इनको भी इल्म की बरकत मिल जाएगी बेशक। इंशाल्लाह तो अल्लाह का एहसान करम है। कोई बच्चा आप माँ बाप जो सुन रहे हो, हम आपसे पैसा नहीं चाहते, इन बच्चों में से कोई बच्चा चाहते हैं और वहां रहे और पढ़े, सिर्फ पढ़ना काम है। हमारे ये नूर हुदा साहब हैं, ये इलाहाबाद के हैं, जिन्होंने बड़ी अच्छी नात पढ़ी, बहुत अच्छा अंदाज में नात पढ़ते हैं। ये सब अल्लाह का बड़ा करम है। और ये जामे नूरिया रजिया जिसके उस्ताद को तनख्वाह, ये उलमा को मैं बताना चाहता हूँ, तलबा का मैं जहन खोलना चाहता हूँ कि तलबा ये सोचे कि हमारे ये कौन साहब मौलाना साहब ये सोचे कि 5,000-10,000 में हमारा कारोबार नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा, बड़े बड़े सेठ बने हुए लेकिन तनख्वाह नहीं देते हैं, बड़ा मदरसा तो बना लेते हैं, टाइल लगा देते हैं, पत्थर बिछा देते हैं संगमरमर और बेहतरीन बाथरूम बना देते हैं, लेकिन उलमा को तनख्वाह 2,000, हाफिज को 10,000 देते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। ये कहकर जामे नूरिया की तनख्वाह आप सुनेंगे, अभी तकरीर कर रहे थे मौलाना हसन रजा मासूमपुर यही करीब के रहने वाले, इनकी तनख्वाह 60,000 रुपए महीना है। यह है जामे नूरिया, यह है जामे नूरिया। और हमारे ताजुशरिया ने कहा था आदि शहीद आलम साहब बहुत बड़े आलिम दीन हैं, इनको रखो, उनकी तनख्वाह 90,000 रुपए महीना है। तो इन बच्चों से कहना है पढ़ना है तो जामे नूरिया में आगे काम करना है, तुम्हारी तनख्वाह भी 1,00,000 रुपए हो इंशाल्लाह। फायदे रजा, फायदे रजा जारी रहेगा, फायदे रजा जारी रहेगा। तो ये समझना कि तनख्वाह कम मिलती है तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम फलाज बनेंगे, इसकी जरूरत नहीं। अगर सही पढ़ोगे तो इंशाल्लाह मौलाना हसन रजा जैसे बनोगे, आप ही के इलाके के हैं और हाफिज भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है। ये हसन रजा एक अल्लाह की नेमत है और ये जामे नूरिया अल्लाह की। और ये जामे नूरिया काहे के लिए है, वहां से इल्म है, अमल है, सरकार का करम है और वहां मसर के अलग का काम होता है। ये है,
ये मेरा घर है, ये नूरी मरकज है, ये मेरा घर है, ये मेरे दादा का मदार है, ये मुफ्ती आजम का तावीज है। तब मैं यही पर देखना आता तो सबको दिखाई देता हूँ, अब मैंने ये दिखा रहा हूँ नूरी मरकज, ये मेरा नूरी मरकज, मेरे नूरी मरकज से मेरा भाई ताजु शरिया जाते थे, कहते उधर भीड़ बहुत है गली में, उसी से आना, उसी से जाना, उसी से आना, मैं उस तरफ से नहीं जाता था। मुफ्ती आजम और आला हजरत ने बड़ा करम फरमाया कि मुझे ऐसा घर दिया कि मेरा भाई उस घर से निकलते और कहते तुम्हारे घर से आसानी से मैं दरगाह आलम पे जा रहा हूँ। तो फिर मैंने आखिरी उम्र में ये सोचा कि क्या ऐसा काम ना कर दूं कि लोगों का काम को आसानी हो जाए, तो आपको भी ऐसे ही काम करना चाहिए कि लोगों को आसानी मिले। तो मैंने अपने घर को तोड़ फोड़ करके उसको राहे आला राहे ताजी शरिया में तब्दील कर दिया, तो एक रास्ते से लोग आएंगे और मन्नानी के घर से निकल जाएंगे। ये आप लोग हैं ऐसे कि कोई मस्जिद को रास्ता पतला था और अपना घर तोड़ करके दूसरा रास्ता दे दे, ये आला की शराफत खून, अपना घर तोड़ करके दूसरा रास्ता दे दे, ये आपको तो आपको दावत देता हूँ कि ये नूरी मरकज में भी तलबा रह सकते हैं। और आला हजरत ये है हफ्तर का मुफ्ती आजम का ताबीज, इस पर क्या करना है, ये आपकी उंगली है, इस पर लिखना है हुजूर का नाम मोहम्मद, फिर लिखना दिल पे मोहम्मद, फिर लिखना आँख पे मोहम्मद। तो मोहम्मद लिखने के बाद यहाँ से बरकत लो मुफ्ती आजम से तावीज से, और फिर लेने के बाद यहाँ दिल पे लिखो हुजूर का नाम, आँखों पे लिखो हुजूर का नाम, फिर क्या कहना है, दिल का सुरूर नामे मोहम्मद, दिल का सुरूर मोहम्मद, दिल का सुरूर मोहम्मद, दिल का सुरूर मोहम्मद, आंखों का नूर ए मोहम्मद, आंखों का नूर मोहम्मद, दिल का सुरूर हे मोहम्मद। बस ये कहना, तावीज ले लेना और फिर ये करने का, ताकि आपकी आंखों में नूर रहे और दिल सुरूर, दिल अगर खुश है तो डॉक्टर की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत, दिल खुश है, आंखों में नूर है, आप देख रहे हैं अल्लाह का एहसान करम है, इसकी जरूरत है। अल्लाह ताला आपके अच्छे कामों को कबूल फरमा ले। हमारे दोस्त ने अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, ये कुछ अशार पढ़े, इसकी मुझको भी अभी जरूरत नहीं, मुझको 50 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री देता रहा कि हुजूर लाहौर ना पढ़े तो मुझे 100 रुपए से क्या फायदा आया, 50 करोड़ मैंने कहा भाग जाओ नहीं मैं नहीं लूंगा और लाहौर पढ़ूंगा। शायर कहता है, गिरवा के रहो मस्जिद आया था जब बरेली, जो मऊ रजा की चौखट ख्वाहिश थी उसके दिल की, भागा खड़े जो देखे लाहौर पढ़ने वाले हम हैं बरेली वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मन्नानी मियां साहिब क़िबला, खानदाने आला हजरत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब वो कहता था कि मैं तो अच्छा आया बरेली, तो मन्ना रज़ा लाहौर पढ़ते हैं, मैं दिल्ली में इंसान था, बरेली में आया तो शैतान, मैं दिल्ली में इंसान और बरेली आया शैतान। आला ने फरमाया मैंने क्या क्या करूं, आपने फरमाया लाहौर पढ़ो, लाहौर पढ़ने से बड़े बड़े शैतान भाग जाते हैं, इकन्नी दोन्नी चवन्नी, एक बन दो बन बिकता रहा, लेकिन बिका नहीं, वो है बरेली, हम है बरेली वाले, अल्लाह का बड़ा फजल करम है, शैदा है हम रजा के, पीछे नहीं हटेंगे, तेरे सवाल का डट कर जवाब देंगे, जो सूरमा है तेरा उसको अभी ये बुला ले, अब है बरेली वाले। वाह, तो जोश में कहो, नारा भी लगाओ, नारा भी नहीं लगाना। अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। डरते नहीं किसी से या खौफ कहने वाले, डरते नहीं किसी से या खौफ कहने वाले, हम हैं बरेली वाले, हम हैं बरेली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये है बरेली, ये बरेली जो बिका नहीं, आपके सामने बैठा बंदा चाहता तो करोड़ ले लेता लेकिन नहीं लिया, अल्लाह का फजल करम है। तो ये क्या है, आप कह सकते हैं सबसे
कि भाई एक बन्ना अल्लाह खान आए थे जिन्होंने 50 करोड़ रुपया नहीं लिया और राव पर लाहौल पढ़ के भगाया, ये हमारे बरेली कर गए, इसीलिए हम बरेली से मोहब्बत करते हैं। इकन्नी दोन्नी चवन्नी कभी किसी पर लाहौल नहीं पड़ा, सबसे पैसे खाए, मदरसे बनवाए, लेकिन हमने मदरसा हुकूमत से नहीं बनवाया, आपसे लेकर के, कौम से लेकर के, हुजूर से लेकर के, हमने आला से पूछा, हुजूर वो आया है 50 करोड़ दे रहा है ले ले, मन्ना नहीं तेरी रगों में हमारा खून बहता है उससे लेगा। हमने कहा कहां से, कब्र से आवाज आई, कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब कुछ कुछ मुस्कुराए, ये बुजुर्ग मुस्कुराए, जब ये मुस्कुराए, मैं अफ्रीका, अमेरिका, मारेश, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड, मदीना मुनव्वरा, बगदाद शरीफ, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, आलम इस्लाम में जाता हूँ और एक नारा लगाता हूँ, जो हुजूर की मोहब्बत में मुस्कुराएगा सीधा जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुराओ, 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 जन्नत में जाओ। अल्लाह का बड़ा फजल करम है, दस्तारबंदी हो गई, बच्चों पर हार फूट पड़ गए, ये अल्लाह का बड़ा फजल करम है। इनके माँ बाप कितने अच्छे हैं कि माशाल्लाह ये दूल्हा बन गए, ये दुनियादार दूल्हा बन नहीं बनता, दुनियादार दूल्हा नहीं बनता, ये दीनदार है इसलिए दूल्हा बने हैं। हम दीनदार हैं तो हमको कुर्सी भी मिली है, स्टेज भी मिला है, और ये भी मिला, और पगड़ी भी मिली, और आप लोग सुन रहे हैं, तो दूल्हा कौन बनेगा, वो दीनदार है, दुनियादार दूल्हा नहीं बनता है, उसके लिए उसी के लिए लोग सब झूमते हैं, मुस्कुराते हैं, और दोस्त कहता है खाते है तेरे दर का, खाते का पाते है तेरे दर का, पीते लो पीके पीके भी दिखा दे, पीते है तेरे दर का, खा पढ़ो पढ़ो, खाते है तेरा सदका, पीते है तेरे दर का, खाते पानी है तेरा, पानी दाना है तेरा, दाना तेरा दाना। बहुत अच्छे हैं आप लोग माशाल्लाह, इतने वक्त तक मैं तो समझ रहा था कि दस्तारबंदी के बाद मसला गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप लोग वाकई आशिक हैं, मतलब दस्तारबंदी के बाद हार फूल पड़ने के बाद सब लोग बच्चे चले जाते हैं और उनके जो साथ आते हैं उनके माँ बाप भी वो कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन आप लोग सुन रहे हैं ये क्या है, ये इश्क रसूल की बरकत है, मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है, और कोई चीज़ काम नहीं आएगी, सिर्फ मोहब्बत रसूल काम आएगी, बस ये एक बात बता दो, कोई चीज़ आपके काम नहीं आने वाली मोहब्बत रसूल। जो भी दुश्मन है मेरे रजा का जल रहा है, शाह जलेगा, जो भी दुश्मन जल रहा जलेगा, मसलके आला हजरत का नारा लग रहा है हमें, लगेगा मसलके आला हजरत का नारा लग रहा है, ऐसा लगेगा। आज की रात कितनी प्यारी हो गई, कितनी प्यारी रात है, आशिकाने मुस्तफा जब जमा है, सब मोहब्बत से जमा है, इसी तरह से आपस में लड़ाई मत लड़ना, सिलसिलों की लड़ाई मत लड़ना, ये बरकाती है, ये चिश्ती है, कादरी है, ये हशमती है, ये मन्नानी का, ये इसकी जरूरत नहीं है, आपस में मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। हम कोई कन्ने दौड़नी चवन्नी आगे बढ़ने में लगे और हम आपस में करने में लग गए, लड़ने में लगे, ये हमारा काम नहीं है, हमें काम है आगे बढ़ना, बड़े बड़े मदरसे बनाना, बड़े बड़े दीन का काम करना, और जिन्होंने ये काम करा है वो आखिरत में अपना मुकाम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला काम करने की तौफीक अता फरमाए। आला हजरत का एक शेर और पढ़ लेते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा शेर पढ़ा, कहा काम वो तुम जो करे काम वो ले लीजिए,
अरे ढींग हो ने रदा तुम पे करोड़ों दुरूद ठीक हो रदा पे हो दुरूद। जब से रदा आ गया अब सुनियो मजा आ गया है कि नहीं है, है कि नहीं है। हलवा खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, ये सुन्नी तो खा रहे हैं ना, हाँ सुन्नी खा रहे हैं, ये सब रजा का मजा है, रजा का मजा है, रजा रजा वाले हैं, मजे वाले हैं, बहुत मजे ले रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल करम है, अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए। और ये सब मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, अल्लाह ताला इन तलबा को भी और इनके माँ बाप को खूब बरकतों से माला माल फरमाए, अल्लाह का एहसान हो। वो कलमात हम पढ़ लेते हैं, वो कलमात हम लोग पढ़ लेते हैं जो हमारे मुफ्ती आजम तौबा कराते हैं या मुरीद करते वक्त पढ़ लेते हैं, तो वो अच्छा सरकार वली कामिल हमारे हमारे पीर साहब हैं, वो कलमात क्या है, वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि असहाबिहि अजमाइन वबारिक वसल्लिम। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक इयाक नअबदु व इयाक नस्तईन। या अल्लाह या नूर या हादी या हक या मुबीन। या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक अता फरमा, गुनाहों से बचा, खासकर झूठ बदी गीबत बदमज़हब की सोबत बेपर्दा गैर मर्द के सामने आने से गाने बजाने तमाशों से